नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक वीडियो। ये जो टॉपिक है दैट इज अगले 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या सोच में चेंजेस होगा, क्या होने वाला है उनका करंट फीलिंग अगले 48 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब ही देखेंगे अगले 48 आवर्स के लिए होगा, सो उसके हिसाब से आपके साथ जनरेट करेगा ये रीडिंग। रीडिंग से पहले ऑलवेज जैसे मैं सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए फॉर हार्मोनियस ट्विन फ्लेम रियूनियन, अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए भी आपको रिलेशनशिप हीलिंग, एजुकेशनल प्रॉब्लम को हील करना, आपका मनी ब्लॉकेज को हील करना, कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज अगर करना है, अगर आपको पास्ट लाइफ रिक्रिएशन करवाना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल एंड जो प्रॉपरली एनर्जाइज्ड आपकी प्रॉब्लम के अनुसार किया जाता है, अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, जो स्क्रीन में भी आ रहा है, वो नंबर पे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। ठीक है, चलते हैं रीडिंग से पहले दो बातें जो आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हो। रीडिंग से पहले दो बातें मैं आज एक ही चीज बताऊंगी, याद रखना ऑलवेज हम लोगों का मन जो होता है ना, ये मन ऑलवेज भीख मांगा होता है, जितना भी मिल जाए ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, मन ऑलवेज भीख मांगा होता है। जब आपके पास 100 करोड़ भी हो जाएगा, 1000 करोड़ भी हो जाएगा, फिर भी लगेगा उनके पास ज्यादा है, उनके पास प्राइवेट जेट है, उनके पास ये है। अभी आपको लग रहा है नहीं नहीं ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन मिल जाएगा, अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए, मेरा गर्लफ्रेंड मिल जाए मैं खुश, जिस दिन मिल जाएगा उससे भी ज्यादा चाहिए होगा, जिससे होगा उससे भी ज्यादा चाहिए होगा। मन भीख मांगा होता है, मन की नेचर ही होता है भीख मांगा। तो ये जो एनर्जी है इससे कभी डिवाइन कनेक्ट नहीं कर पाते। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे डिवाइन कभी भीख मांगा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। डिवाइन एकदम सचिदानंद के साथ कनेक्ट कर सकता है, सदाचित्त आनंद। आप अगर वो एनर्जी में रहेंगे कि क्या है जो है इसमें मैं बहुत खुश हूँ, उसमें बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देखना कोई कोई जगह खुश नहीं है, हर स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन से खुशी नहीं है। अगर मन में खुशी के अंदर जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ, ये एनर्जी में आइए, देखिए डिवाइन छप्पड़ पार के दो हाथ से आपको ब्लेसिंग दे रहा है एंड आपका डिजायर, ऑल डिजायर फुलफिल हो रहा है। मगर ये एनर्जी में आना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ है, जो है इसमें मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा मन भीख मांगा नहीं है। ये एनर्जी में आइए, देखिए काफी चेंजेस आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग अगले 48 आवर्स उनकी आपकी दोनों की रिलेशनशिप में क्या होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अगले 48 आवर्स में क्या चेंजेस हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में, सोच में, एक्चुअली 48 आवर्स में उनका करंट फीलिंग क्या रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले 48 आवर्स रिलेशनशिप में कोई नया मोड़ आएगा, क्या होने वाले हैं अगले 48 आवर्स में, अगले 48 आवर्स में क्या होने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में। एस ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। अगले 48 आवर्स में क्या होने वाले हैं आपकी जिंदगी में, देखिए, और क्या सोच, एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि क्या सोच, करंट फीलिंग क्या रहेगा, क्या एक्शन के बारे में सोचेंगे, क्या रहेगा अगले 48 आवर्स का एनर्जी। कोई चीज में जो वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्वेश्चन आपके लिए है, तो कोई भी चीज में जो वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वहां पे ये स्वर्णों में फंसे थे, उस जगह से मुझे लग रहा है कि
एक एक्शन वाला एनर्जी आएगा। जो चीज में वो स्ट्रगल करने से डर रहे थे उस जगह में वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इनकी ड्रीम में बार बार आओगे अगले 48 आवर्स में, आप इनकी ड्रीम में बार 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 आएंगे, ठीक है, आओगे बार बार, बहुत ज्यादा आपके बारे में डे ड्रीम दिखेगा, ठीक है। आपकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन काफी 48 आवर्स में ज्यादा होगा। उनको बहुत ज्यादा एक आपको कभी आपको बहुत सुंदर सा साड़ी पहन के या बहुत सुंदर सा, आप अगर अपोजिट जेंडर का भी हो, आप सुंदर सा ड्रेस पहन के एकदम राजा जैसा रानी जैसा एक रूप में वो बार बार विजुअलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर आपके साथ उनका बातचीत चल रहा है, देख रहे हैं इस टाइप की बातचीत होगा कि वो पहन के तुम्हें बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि एक 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 इल्यूशन में 48 आवर्स में चलने वाला एनर्जी दिख रहा है। अगर नहीं भी है, आप लोगों का बातचीत नहीं है, तो उस जगह में कहीं ना कहीं एक हेलुसिनेशन में एक इल्यूशन में एक इल्यूशन चलेगा आपके लिए, काफी बहुत ज्यादा आपके लिए सोचेंगे। जिस चीज के लिए वो रुका हुआ था वहां पे एक एक्शन वाला एनर्जी दिख रहा है, एक स्ट्रगल वाला एनर्जी दिख रहा है। और एक चीज अगले 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है, अगर आप दोनों में कोई अनबन है या अननेसेसरी बात मत कीजिए अगले 48 आवर्स में, वो अच्छी बात बोल रहे हैं वो सुनिए, एंजॉय कीजिए अगर आप दोनों में बातचीत है तो, ठीक है। अदरवाइज झगड़ा होने का एनर्जी है, फाइट होने का एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नजर ही अलग अलग रहेगा अगले 48 आवर्स में दोनों का, तो इस टाइम में हमें क्या करना है, इस टाइम में थोड़ा सा बुद्धि से हैंडल करना है, इस टाइम में थोड़ा सा बुद्धि से हैंडल करना है। अगर समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहां पे अच्छा से निकल जाना है, अननेसेसरी बातचीत कम करना है, ठीक है। अगले 48 आवर्स में कोई कोई जगह नजरिया का चेंज आएगा। इनका थोड़ा होपलेस कंडीशन मुझे दिख रहा है कि ऐसा अगर सिचुएशन था कि ये होपलेस था, रास्ता था उनको दिखाई नहीं दे रहा है, अगले 48 आवर्स जो टाइम है एक्शन की टाइम, स्ट्रगल की टाइम एंड जो भी ब्लॉक एनर्जी था वहां से निकल जाने का टाइम दिख रहा है। अगले 48 आवर्स काफी आपके लिए ड्रीम दिखने का टाइम है ये अगले 48 आवर्स। मगर बार बार बोल रही हूँ, झगड़ा होने का भी एक एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग होने का भी एक एनर्जी अगले 48 आवर्स में है। अगर आप कोई अननेसेसरी आर्गुमेंट या पुरानी बात लेके वो चीज लेके दोहराना ये सब अगर करो तो ये पर्सन का होपलेस जो कंडीशन ऑफ द सिचुएशन है वहां से निकालने वाला एनर्जी है। अगर आप गुड वाइब्रेशन उनको दो तो ये एनर्जी आप देख पाएंगे। एक अगर सब कुछ सही रहे, अगर आप बुद्धि से हैंडल कर सकते हो, बहुत लोगों के लिए रियूनियन एनर्जी रहेगा, रियूनियन की स्टार्टिंग एनर्जी स्टार्ट होगा या रियूनियन होगा अगले 48 आवर्स में। साथ ही साथ बहुत लोगों के लिए झगड़ा की एनर्जी भी दिख रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी कैसे वाइब्रेशन आप देख रहे हो दे रहे हो। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट पे हो तो ये पुरानी बात सोच सोच के तकलीफ में रहेंगे, बट कहीं ना कहीं से एक एक्शन वाला एनर्जी, एक कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो वाला एनर्जी दिख रहा है अगले 48 आवर्स में। चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी, कुछ और एक्शन वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है अगले 48 आवर्स में। चलिए देखते हैं अगले 48 आवर्स में और कोई एक्शन की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन अगले 48 आवर्स में और कोई एक्शन वाला एनर्जी है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस बैलेंस, एक्शन लेने का भी सोच रहा है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, यस मैंने बोला है ना, स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो रहा है। कम्युनिटी जर्नी, यस इनका कोई जर्नी स्टार्ट होना है, एक्शन लेना इस टाइप की। अप्रिसिएशन, वहां पे भी इम्प्रेस आया है काफी, अप्रिशिएट, ड्रीम देकर नकना, आपका गुण लेके सोचना, रूप लेके सोचना, आपकी गुड बिहेवियर लेके सोचना, काफी सोचेंगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सेक्सुअली अट्रैक्शन होना, बार बार बोल रही हूँ, इमोशनली सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करना इस टाइप की एनर्जी में दिख रहा है एक्चुअली नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। अगले 48 आवर्स में बैलेंस आएगा, पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे, आपको कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए सोचेंगे। वहां पे भी हम लोग देखते हैं चेन ऑफ कप्स वाला कार्ड आया है, उनका एक स्ट्रगल जर्नी, जहां पे ब्लॉक था हो नहीं सकता एनर्जी वहां से बाहर निकालने वाले हैं। दिल में काफी अप्रिसिएशन आएगा आपके लिए एंड आपके लिए सेक्सुअल एनर्जी, काफी इमोशनल सेक्सुअल एनर्जी काफी फील करेंगे। एंड द बॉटम ऑफ द डे सन कार्ड अगेन, काफी पॉजिटिव एंड हैप्पी फैमिली, वहां पे भी टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली काफी अच्छा रहेगा। बस आपकी एनर्जी थोड़ा सा ठीक कीजिए, अगर आप फालतू बातें करने जाएंगे या ज्यादा बातें
अगर कोई कारण में ज्यादा बातें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखते हैं बाबा का सजेशन क्या है, बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं ये सिचुएशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं ये सिचुएशन में। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है। जब तक आप एक्चुअली सबक नहीं सीखेंगे, जब तक आपके अंदर रियलाइजेशन नहीं होगा, तो एक ही प्रॉब्लम बार 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 आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो जो है उसे सीखना है। प्रकाश बनिए, औरों की जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। हेल्प कीजिए, इंसान को हेल्प कीजिए, जानवर को हेल्प कीजिए, पेड़ पौधे को हेल्प कीजिए, औरों की जिंदगी लिए सोचिए। खाली मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार, दूसरे की भी जिंदगी का आधार बनिए, ठीक है। तो बाबा का यही सजेशन है आपके लिए इमीडिएट एनर्जी, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कीजिए कमेंट, आपको क्या वीडियो चाहिए, आपका जो विश है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, दिल खोल के कीजिए। क्योंकि मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से, हर रोज आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ, और होने के बाद आप लोग इतना सारा सच में ढेर सारा प्यार भरे मैसेज भेजते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू।